ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक जानवर भी सेल नहीं किए और ना ही दरख्त कटवाए हैं, ना ही नेचर को ख़राब किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदनान ज़फ़र हूँ। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अब तक मैं आपको कहता था ना कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में, ऑर्गेनिक खाद के बारे में मैंने दिखाई भी थी आपको, तो अब आपको दिखाता हूँ खेत में कैसे डाल। मेरे सामने ये एक खेत है, ये देखें, ये इसमें ऑर्गेनिक खाद डाली हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। ये भैंसों का गोबर है जो खुश्क करके इसमें सारी, अब इसको पानी भी लगाया हुआ है। इस तरह से ये खेत में ये ऑर्गेनिक खाद डाली जाती है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ज़मीन के लिए। ज़मीन को इन ऑर्गेनिक खाद डालने के बजाय ऑर्गेनिक खाद डालें ताकि आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी बरकरार रहे, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ज़मीन की उम्र ज़्यादा हो जाएगी इससे और फसल भी ज़रखेज़ होगी, तरो ताज़ा फ्रेश, बहुत ही सेहतमंद फसल होगी। मैंने आपको अभी दिखाया है ऑर्गेनिक खाद डाली हुई है, लेकिन यहाँ पर नहीं डाली हुई। यहाँ पर ये ऑर्गेनिक खाद की तरह काम करता है। ये घास फूस वगैरह होती है ना जो लगती है, ये वहाँ पर वो काटी हुई है। वहाँ पर अभी हल नहीं चलाया हुआ, इस साइड पे हल चलाया हुआ है। साइड पे हल चलाया जाता है ना, वहाँ से जो ग्रीनरी होती है ना वो फिर ख़त्म होकर इस तरह से खुश्क हो जाती है। तो पानी लगाते हैं अभी इसको, खुश हाल चलाने के बाद ये सारा घास फूस काट जाता है। बूटियाँ जो इसमें लगी होती हैं घास की, सारी काट जाती हैं। फिर जब ये खुश्क हो जाते हैं फिर इसमें पानी लगाते हैं। पानी लगाने के बाद फिर इसमें बीज लगाते हैं, और ये भी ऑर्गेनिक खाद की तरह काम करती है। फिर जाकर इसमें बीज अच्छी तरह नशोनुमा पाता है। इसके अलावा फिर यहाँ पर इन ऑर्गेनिक खाद भी डाली जाएगी, तो इसका कोई फ़ायदा तो ना होगा। ये तो ऑर्गेनिक होती है, इन ऑर्गेनिक भी लाजमी डालेंगे। ये ज़मीन है ना, तो ये चारे के लिए लगाया हुआ था सारा, अब जी सारा काट लिया, इस साइड पे हल भी चला लिया है, तो उस साइड पे भी चलाना बाकी है। दोबारा इसमें घास लगाएंगे। मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ मैं आया था तकरीबन 2 साल पहले, और 2 सालों के अंदर इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ आबादी कितनी हो गई है। ये देखें, ये भी अभी किसी का प्लाट है, इसने कब्ज़े के लिए 4 दीवारी दे दिया। देखें कितनी बड़ी जगह है, और यहाँ पर देखें सारी आबादी 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 ही है। इसी ज़माने यहाँ पर ये खेत होते थे, फसलें होती थी लोगों की, तो अब लोगों ने पैसों के लिए अपनी ज़मीनों को बेचना शुरू कर दिया। ज़मीनें बेचते गए हैं, किसी ने शादी करनी है तो अपनी ज़मीन बेच दी, किसी ने शहर में जाकर घर लेना है सिटी वाली साइड पे, तो उन्होंने यहाँ से बड़ी ज़मीन, जैसे ये बड़ी है ना इतनी बड़ी ज़मीन, ये सारी इसको सेल कर देंगे। किसी ने सेल कर दी, वहाँ जाकर छोटा सा 10 मरले का बना बनाया ले लिया। तो इस तरह से लोग, किसी ने यहाँ से बेचकर विलेज वाली साइड पे कोई बड़ी ज़मीन ले ली, वहाँ पर फसलें वगैरह लगाई। इस तरह से लोग फिर करते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि क्यों, लेकिन जो लेने वाले हैं ना वो बड़े बड़े डीलर होते हैं, बड़े बड़े डीलर, वो एकड़ के एकड़ ले लेते हैं, फिर यहाँ पर टाउन बना देते हैं, गलियाँ निकाल कर, सेवरेज का निज़ाम निकाल कर, और ये सब कुछ बना कर फिर लोगों को बेचते हैं, किस्तों में भी बेचते हैं और नेट भी बेचते हैं। तो इस तरह से फिर ये टाउन बन जाता है और यहाँ पर आबादी हो जाती है, और इस तरह से बदकिस्मती से हमें अपने दरख्तों को खोना पड़ता है। देखें ये दरख्त ख़त्म हो रहा है, वो भी दरख्तों को खोना पड़ता है, ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है और भी हमें नेचर से दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने अपनी नेचर को छोड़ दिया है, वो छोड़ कर चले गए हैं। कुछ लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें नहीं सेल की, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई है घास, वो घास लगाता है काटता है, उसने नहीं सेल की। उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, वो जानवरों को पाल रहे हैं, उनका दूध सेल कर रहे हैं, मतलब कि कुछ लोग अभी भी अपनी नेचर के करीब ही हैं। जैसे इस घर के सामने दरख्त अभी भी लगा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने दरख्तों को काटा नहीं है और ना ही किसी को काटने दिया है। घर है, इसके बाहर भी दरख्त लगा हुआ है, अंदर गेट के ऊपर देखें ये आपको दरख्त नज़र आ रहा होगा। इस तरह से भी लोग हैं, उन्होंने दरख्त नहीं काटे और ना किसी को काटने दिए हैं। जैसे अब इस प्लॉट में
दरख्त थे लेकिन इस पर इसने कटवा दिए हैं, ऐसे फ्री पड़ा हुआ है, ना इसमें घास लगाता है, ना इसमें ज़मीन लगाता है, ना इसमें कुछ करता है, ऐसे फ्री पड़ा हुआ है, वेस्ट। क्या पता उसका प्लान क्या है, कोई प्लाजा बनाने का है, पता नहीं क्या है। सहल सी बात है, बड़े मगरमच्छ का है ना ये प्लाट भी। ये लोगों ने अपने जानवर छोड़े हुए हैं, घास वगैरह खा रहे हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने जानवर सेल नहीं किए। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक जानवर भी सेल नहीं किए और ना ही दरख्त कटवाए हैं, ना ही नेचर को ख़राब किया है। तो वो भी मैं आपको दिखा रहा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि बकरियां जा रही थी, तो वो बकरियों वाले भी हैं जिन्होंने बकरियां पाली हुई हैं, उन्होंने अपनी बकरियों को सेल नहीं किया। वो अपनी नेचर के करीब ही हैं, अपने आप को चेंज उन्होंने नहीं किया। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है लेकिन इन्होंने दरख्त नहीं काटे, दरख्त वैसे खड़े रहेंगे और इनका घर भी बन जाएगा। और यहाँ पर देखें, ये घर भी है लेकिन फिर भी इन लोगों ने ये सब्जियाँ लगाई हुई हैं। ये देखिए, ये लहसुन लगा हुआ है और यहाँ पर ये साग है सरसों का, ये देखिए इसका फूल। ये पालक है, ये धनिया लगी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर सब्जियाँ लगाई हुई हैं। ये देख, ये क्यारियाँ बना कर ना इन्होंने सब्जियाँ लगाई हुई हैं, वहाँ पर भी लगाई हुई हैं। वहाँ पर देखें, वो कद्दू भी लगा हुआ है, ये कद्दू है बड़ा बड़ा। मतलब ये है कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी नेचर को नहीं छोड़ा और वो उसके साथ अभी तक भी जुड़े हुए हैं। फ्री ज़मीन पड़ी थी, ये प्लॉट किसी का, तो यहाँ पर क्यारियाँ बनाकर पानी वगैरह लगाकर इन्होंने सब्जियाँ लगाई हुई हैं, वो जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है घर के लिए। सब्ज़ी भी फ्री और प्लॉट भी वेस्ट नहीं जा रहा और नेचर भी बची हुई है। पालतू मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं घर के अंदर, एग्स भी फ्री के, नेचर के करीब भी हैं। देसी एग्स खुद ही, मतलब कि खुद ही मुर्गियाँ पाल कर खुद ही एग्स बना रहे हैं। इन्होंने नेचर को नहीं छोड़ा, अपनी पुरानी रीति रिवायात अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा सलाम। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और बहुत मज़ा आया आज वहाँ घूम फिर कर। असल में जय ये जहाँ मैं गया हूँ ना, इसको हम कहते हैं फौजी बस्ती, यानी कि ये एक बस्ती टाइप थी, विलेज टाइप था, गांव था। और आज देखें ये शहर बन गया है, यहाँ पर सारे और गलियाँ बन गई हैं, मतलब टाउन की तरह बन गया है, शहर बन गया। अभी भी इसका नाम फौजी बस्ती ही है, लेकिन मैं 2-3 साल पहले जब मैं गया था ना, तो जहाँ पर घर था ना, जहाँ पर जिस घर में हम गए हैं, उनसे 2-3 घर छोड़कर आगे सारी ज़मीनें थी। तो हमें ज़मीनों की तरफ जाने के लिए काफ़ी, यानी कि 1-2 किलोमीटर सफ़र करना पड़ा है, फिर जाकर हमें आगे ज़मीनें मिली हैं और मैंने आप वहाँ जाकर व्लॉग बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। अभी भी वहाँ पर इस तरह के लोग हैं पड़े, मैं जैसे मैंने आपको दिखाए हैं कि फितरत के करीब पुराने लोग हैं ना, तो वो अभी भी फितरत के करीब अपने आप को रखे हुए हैं। ओके, अब तक के इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, तो चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, दुआओं में याद रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही।